हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज गिवन, स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड सरफेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज। तो हमें यहाँ पे कमेंट करना है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्यों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो की कॉन्सेप्ट देखेंगे, की कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनामिक अप्रोच ऑफ ऑफ एड्सॉर्प्शन। थर्मोडायनेमिक में एक ये वाली इक्वेशन होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और यहाँ पे बोला है कि स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन होना चाहिए। तो किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, मीन्स निगेटिव। सो एंड इन एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि एक सरफेस पे मॉलिक्यूलर स्पीसीज आके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाती है। तो क्या होता है, अगर एक गैस है और सॉलिड सरफेस पे आके एड्सॉर्ब होगी तो इसकी जो स्पॉन्टेनिटी होगी वो डिक्रीज, इसकी जो रैंडमनेस होगी, रैंडमनेस विल गेट्स डिक्रीजेस रैंडमनेस विल बी डिक्रीजेस व्हेन गैस एड्सॉर्ब ऑन सॉलिड सरफेस। तो क्या होगा, अगर रैंडमनेस डिक्रीज हो, मतलब डिक्रीज होगी तो डेल्टा एस भी डिक्रीज होगी। तो इससे क्या हो जाएगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस, ये अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये टी डेल्टा एस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि इसको सफिशियंटली हाई रखना होगा डेल्टा एच को। सो वी कैन से दैट कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे डेल्टा जी एक ही कंडीशन में नेगेटिव रह सकता है, इफ enthalpy is sufficiently लो। कितना सफिशियंटली लो, अगर यहां पे ये जो डेल्टा एच है इसका मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस। आई एम नॉट कंसिडरिंग साइन, आई एम ओनली सेइंग मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में क्या है कि डेल्टा एस डिक्रीजेस फॉर द गैस। अगर डेल्टा एस डिक्रीज करेगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें इसको डेल्टा एच को हाई रखना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।